जीवन में सुख समृद्धि के लिए नौ रत्न बनाए गए हैं और उन नौ रत्नों की जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो आइए उन नौ रत्नों की जानकारी के लिए हम मिलते हैं योगेंद्र कुमार जैन जी से। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो योगेंद्र जी, आज आप हमारे दर्शकों को कौन से रत्न के बारे में बताने वाले हैं? जहाँ तक सुख समृद्धि की बात आपने कही है, सुख समृद्धि के लिए सबसे बेहतर चीज होती है गुरु का स्थान। और गुरु अगर खुश है तो अपने आप सुख समृद्धि आती है। वैसे ही नवरत्नों में गुरु का स्थान दिया गया है बृहस्पति देवता को, और बृहस्पति का पत्थर होता है का पुखराज। तो पुखराज के बारे में ही आज हम आपको जानकारी देते हैं। वही तो योगेंद्र जी, आप बताएं पुखराज के बारे में। तो पुखराज पाया कहाँ पे जाता है? पुखराज या कोई भी पत्थर हो, सब मिनरल्स के रूप में, खनिज के रूप में खदानों से निकलते हैं। ये भी खनिज में ही जाता है क्या? तो इसकी भी अलग अलग कई देशों में इसकी खदानें हैं, जहाँ से जो अनुभवी रूप से जो पारखी लोग होते हैं वो कंकड़ पत्थर की शक्ल में वहाँ से ले आते हैं और फिर इसकी कटिंग करके नगीने का शेप दे के पहनने लायक बना के हमारे लिए सुलभ कराते हैं। तो जैन जी, पुखराज की पहचान कैसे करेंगे कि वो असली पुखराज है कि नकली? पहचान वाला शब्द तो बहुत व्यापक है कि उसकी पहचानने के लिए, तो चूंकि अब ये हो गया है कि अब आजकल आदमी को थोड़ा एक दूसरे के कहने पर विश्वास कम होने लग गया है, इसलिए इसकी लैब टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी आ गई हैं जहाँ से टेस्टिंग होती है। यूँ जो पुराने जौहरी होते थे वो आँखों से देख के और हाथ में उठा के ही बता सकते थे कि ये पुखराज है या नहीं है। लेबोरेटरी से टेस्टेड करा के भी आप ले सकते हैं। योगेंद्र जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि पुखराज पहना क्यों जाता है और किस राशि वाले पहनते हैं? पुखराज खासतौर से धनु राशि वालों को पहनना चाहिए, और उसके पहनने के फायदे ये हैं कि जिस तरीके से गुरु का स्थान होता है, यही धन विद्या यश मान सम्मान सब चीज एक साथ देने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है, वो पुखराज पहनने से यही सब चीजों में और वृद्धि होती है। योगेंद्र जी, पुखराज किस मात्रा में पहनना चाहिए और किस उंगली में पहनना चाहिए? पुखराज खास तौर से पहली उंगली में पहनना चाहिए, इसको हम लोग तर्जनी उंगली कहते हैं, उसमें पहना जाता है और उसकी मुख्य धातु सोना है, सोने में जड़वा के ही पहनना चाहिए। और मात्रा की बात है जहाँ पर कि वजन की, वो शरीर के वजन के हिसाब से ही मात्रा निर्धारित करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके लाभ का कैसे पता लगाएंगे? इसको पहनने के बाद अपने आप आपके धन में, यश मान सम्मान में, आपके खुद बोलने चालने के व्यवहार में आपको वृद्धि दिखाई देने लगेगी। कोई भी रत्न पहनने के बाद कम से कम उसको कुछ दिन 40 दिन लगभग उसको पहनना चाहिए, जो तब आपको उसका फायदा दिखना शुरू हो जाए। योगेंद्र जी, पुखराज की कीमत क्या होगी? पुखराज नौ रत्नों में एक महंगे रत्नों में आता है। इसकी कीमत कम से कम 2-3 हजार रुपये रत्ती से शुरू होकर हजारों लाखों रुपये रत्ती तक हो सकती है। ये थे हमारे साथ योगेंद्र जैन जी, जिन्होंने आज हमें बताया पुखराज रत्न के बारे में। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कोटि के रत्नों, रुद्राक्षों एवं रुद्राक्ष मालाओं के विक्रेता सालीभद्र जौहरी, गली नंबर 30, नजीराबाद, लखनऊ, केसरबाग चौराहे से अमीनाबाद के रास्ते में। सही रत्नों की जानकारी के लिए लॉग इन करें ykj51541@gmail.com।